देश की तुलना में हम बहुत आगे हैं और हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी जो आप ऑनलाइन का इनोवेशन कराना चाहते हैं उसका माननीय आपके सामने अभी प्रेजेंटेशन भी नहीं हो पाया और हम समझते हैं कि वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकता है और डीआईएफ की वेबसाइट पे स्टूडेंट कहीं भी तीन स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। मैं कई बार कहता हूँ सपनों का सौदा करूँ, पहले सपने देखता हूँ फिर साकार करने के लिए जी जान लगा देता हूँ। ये सपना साकार करेंगे आप आने वाले 5 साल में देखेंगे। मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमियां होंगी, फिर ढूंढ के हमको चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, क्या बैंकर्स जैसे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उनको उस कमी को दूर करनी। सर एजुकेशन लोन के काफी कम मामले हैं और बीसी मॉडल आज चर्चा हुई है और एजुकेशन लोन के वितरण में भी अब काफी गति आई है पिछले सालों से जो प्रयास हुए हैं और टंकसाले साहब मेरे साथ हैं, उनने और उनकी पूरी टीम ने यह भरोसा दिलाया है कि अब इसमें कुछ जटिलताएं हैं तो वो ख़त्म की जाएंगी और एक मॉनिटरिंग का भी एक सॉफ्टवेयर बनाया हम लोगों ने ताकि जो औपचारिकताएं हैं वो समय पर पूरी हो जाए और जिनकी समय पर औपचारिकताएं पूरी हो गई उनको देर ना लगे। अब बैंक का भी कमिटमेंट है और इसलिए मुझे लगता है कि गति आई है और गति आएगी और जो नई योजनाएं भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की है विशेषकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जिसमें 25 लाख रुपये तक का ऋण देंगे, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी भी होगी, 5 साल तक 5% ब्याज भी हम जमा करेंगे, तो कुल मिला के योजना बहुत ऐसी क्रांतिकारी हो सकती है कि गांव-गांव में उद्योग खड़े करें हमारे नौजवान, उनकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग हो। उसके लिए भी टंकसाले जी ने और उनकी पूरी टीम ने बैंकर्स ने सबने विश्वास दिलाया कि इसमें पूरी रुचि लेंगे। कारीगरों के लिए भी जो एक योजना है उसमें भी वो रुचि लेने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री आवास मिशन के अंतर्गत मकान बनने में काफ़ी तेजी आई है तो मुझे लगता है इस बैठक का काफ़ी लाभ होगा और बैंकर्स का जो दृष्टिकोण है काफ़ी सकारात्मक और उत्साह से भरा हुआ है और प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा।